Hi स्टूडेंट्स वेलकम बैक to यू plugin and welcome back एंड वेलकम बैक batch also. प्रो बैच ऑल्सो तो प्रो बैच के अंदर आपने कई थोड़े से टॉपिक्स अभी पढ़ लिए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं बट क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि मैम ये जो सिलेबस है सी डी पी का वो कितना बड़ा है या कितना होता है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सी टेट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एच टेट कोई कहते हैं कि हम के वी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैम हालांकि अभी वेकेंसीज आउट नहीं हुई है स्टिल uh, बच्चे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आप इतने सारे एग्जाम्स के लिए CDP को प्रिपेयर करते हैं या फिर है है फिर या फिर 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 समझ लीजिए कि जिसने दिया है है उसको भी देना आगे तो उसका पोर्शन रहेगा राइट सो फॉर ऑल दीज एग्जाम्स आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहता है यानी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अगर आप चाहे या कोई भी अदर जिनके अंदर सी आती है तो चाइल्ड पैडोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम हर पेपर के लिए पढ़ के जाएंगे एंड हर पेपर के लिए पढ़ के जाएंगे तो सफिशियंट रहेंगे मेन पॉइंट ये होता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उनको पढ़ने के बाद तो आज के इस वीडियो में यही सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए एंड फॉर श्योर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ला सकते हैं क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक को एक्सक्लूड नहीं किया है uh, सारे टॉपिक्स ये आपको काम आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने भी वाली हूँ बड़ी बात ये है राइट सो लेट्स स्टार्ट विद कि कैसे आप करेंगे इन सारी चीजों को और कौन कौन से टॉपिक्स मेन बेसिक हमारे सबसे पहले तो यही डिस्कशन है कि सिलेबस क्या होता है सी का सो so बच्चे यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने देखो आप बहुत सारे चैनल्स फॉलो करते हो आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो आप बहुत सारे आ, कोचिंग नोट्स खरीदते हो या लेते हो तो रैंडम आपके पास इतना सारा कुछ होता है है ना तो वो सारी चीजों को हटा दीजिए और ये एक लिस्ट आप ये एक प्रिंट आउट आप को ये 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 में में मिल जाएगा PDF. You can get this PDF. तो इसको आप आप एक निकालिए और ये सारे कीजिए इसके अलावा आपको CDP में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये आपके लिए पूरा full syllabus रहेगा सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे पहले तो आपको दिख ही रहे हैं कि कौन कौन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज आपको पढ़ के जानी है तो सबसे पहले आपको प्याजे को पढ़ के जाना है फॉर श्योर हर पेपर में आती आता है देन नेक्स्ट इज लॉरेंस कोलबर्ग जिनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी हमें आती है ठीक है देन उसके बाद आपका लेव लेगॉकी है क, जो सोशियो कल्चरल के लिए हमें थ्योरी आती है देन उसके बाद एरिक एरिक्सन फॉर साइको साइको सोशल देन उसके बाद आपके ब्रूनर की थ्योरी हमें आ जाती है आइकॉनिक वाली ब्रूनर की कई और थ्योरी थ्योरीज भी हैं बट ब्रूनर की जो बेसिक वाली थ्योरी है जिसमें हम आ, आ, उसके तीन टाइप्स ऑफ डिवेलपमेंट पढ़ते हैं तो वो आपको पढ़ के जानी है ठीक है जी नेक्स्ट uh, आपका यहाँ पे टॉपिक है वन नेक्स्ट आपका यहाँ पे है पर्सनालिटी मैंने डाला है पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो वो हर पेपर में आ रहा है बट सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं मतलब जिसमें आना ही आना है अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन आता ही आता है पर्सनालिटी से Uh, that is for PSTEC.

Uh, ये हुआ आपका देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू गाइज इज मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ये अलग से आएगा या ये पर्सनैलिटी में ही पढ़ना होता है बच्चा ये होता तो पर्सनैलिटी का पार्ट ही है बट आपको अलग से ये टॉपिक पढ़ना होता है इसके अंदर आपको पर्सनैलिटी uh, की टेस्टिंग पढ़नी होती है जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि अगर मुझे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करना है बेसिकली आप इसको असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी कह सकते हो तो वहां से पी एस टेट में अगर आप देखोगे ऑन रिपीट क्वेश्चन है एचपी टेट में ऑन रिपीट

Uh, uh, जो टेस्टिंग के टेस्टिंग क्वेश्चन हैं वो सारे करने होते हैं यानी टॉपिक्स हैं ठीक है सो so, uh, ये रहेगी मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो हर एक टेट के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आएगा दैट इज लर्निंग लर्निंग का टॉपिक मैंने शुरू भी किया हुआ है आई एम डन विद ट्रायल एंड एरर थी और अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं हम तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी तो इसके अंदर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग कंडीशनिंग बाय बाय देन देन स्किनर की सोशल लर्निंग बहुत बार आता बंदूर पी एस टेक के अंदर आने आना है। मतलब आता है जनरली इसका क्वेश्चन आता ही है अः uh, तो अः uh, ये आपको करना है वेरी इंपॉर्टेंट देन इनसाइट लर्निंग हो गई ठीक है जी कोलर उसके बाद फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग विच इज कर्ट लिविंग जो सीटेट के अंदर बहुत बार आ चुका है ठीक है जी सो ये आपका लर्निंग का टॉपिक है देन उसके बाद आ, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग काफ़ी सारे बच्चे ये छोड़ जाते हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि अलग से हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी अगर आप देखेंगे एच के अंदर एच टेट का जो हायर uh, लेवल uh, है यानी लेवल टू एंड लेवल थ्री के अंदर हमने ये क्वेश्चन देखे हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में बेसिक uh, से क्वेश्चन बेसिक मतलब अगर आप टॉपिक पढ़ जाओगे अच्छे से तो आपको बेसिक ही लगेंगे हाँ तो ईजी uh, होते हैं मतलब यहाँ से एग्जाम्पल्स आते हैं कि एक बच्चा ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है बायोलिटरल है या कैसा है ठीक है सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स होते हैं मतलब आपको वो पढ़ने होते हैं इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट वन और इज इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट और कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर नहीं आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लर्निंग एंड इंटेलिजेंस आने आने है, है? So, um, you, पढ़ने पढ़ने हैं ठीक है सो फॉर ऑल ऑफ यू पढ़ना ही पढ़ना है सो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के अंदर आपको यूनिटरी थ्योरी पढ़नी होती है देन आपको ये स्पेयरमैन uh, की टू फैक्टर देन मल्टी फैक्टर देन ग्रुप फैक्टर ट्राई डायमेंशनल ठीक है थ्री डी थ्योरी जिसको हम बोल देते हैं देन uh, uh, उसके बाद आपका फ्लोइड इन क्रिस्टल थ्योरी इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं बट आते हैं सीटेड में इसके इससे क्वेश्चन आ चुके हैं देन ट्राई आर्किक थ्योरी हो गई देन उसके बाद आपका मल्टीपल uh, इंटेलिजेंस uh, uh, में से गार्डनर में से आपको क्वेश्चन आना ही आना है गार्डनर में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इनमें इन से सबसे ज्यादा बात करू तो गार्डनर में से हमें जनरली क्वेश्चन रहता है या स्पेयरमैन में, में से भी रहता है टू फैक्टर थ्योरी अब जैसे हमने पर्सनालिटी की टेस्टिंग पड़ी थी वैसे ही सेम हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना होता है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के भी अलग अलग टेस्ट होते हैं जैसे का टेस्ट है वो कब आया था 1905 में आया था फिर उसे रिवाइज कब किया गया था 16 में रिवाइज किया था किसने किया था टॉम में किया था तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं ना ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में से जो आपको टेस्टिंग के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा टेस्ट वर्बल है इनमें से कौन सा टेस्ट नॉन वर्बल है या फिर जैसे आपको अः ये तो जनरली है कि वर्बल कौन सा है नॉन वर्बल कौन सा है आ, तो या फिर आपको आ जाएगा कि अः जैसे मोस्टली तो यही आते हैं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन सा है आ या फिर आपको टेस्टिंग में आई के क्वेश्चन आते हैं जो मैं बोल रही थी आई का फॉर्मूला आ गया वो भी मेजरमेंट में ही आता है आई का फॉर्मूला या आई के ऊपर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया कि इस बच्चे का बताओ फिर कितना आई हुआ ऐसे ऐसे इसकी एज है है ना मेंटल एज दे दी या उसका स्कोर दे दिया पेपर के अंदर तो उस वो सारी चीजें जब आप करते हो वो टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इसके अंदर फॉल करते हैं ये सारे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है जी और नॉन वर्बल में से आपको काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है जैसे को का टेस्ट आपको पूछ लिया जाता है बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको पेपर में आए हैं ऑलरेडी बाय नेम आते हैं देन उसके बाद आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें से भी आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हेरिडिटी क्या इम्पैक्ट कर रही है एनवायरनमेंट क्या कर रहा है जीन क्या है क्रोमोसोम्स क्या हैं कितने होते हैं ठीक है देन इसमें से आपको जैसे अगर आपको पूछ लिया जाता है कि बाय क्या होता है या इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं टर्मिनोलॉजीज आती हैं देन इसमें से आप इन्वायरमेंट का काफी इम्पैक्ट जैसे हमारे ऊपर रहता है तो वो सारी चीजें कि क्या क्या चीजें हैं जो आ, इसके ऊपर इम्पेक्ट डालती हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे रहता है क्या किसका ज्यादा रहता है प्राइमरी ठीक है या सेकेंडरी या फिर आप कह लीजिए कि इंटेलिजेंस की किस कहाँ से आती है हेरिडिटी से या एन्वायरमेंट से ऐसे क्वेश्चन हमें जनरली रहते हैं ठीक है थीके? तो हेरिटेड एनवायरमेंट से भी आपको क्वेश्चन स्पेशली फॉर सी टेट आपको ये मतलब आएगा आएगा नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन में से भी हर एक पेपर उठा के आप देख लीजिए सोशलाइजेशन में से यू विल हैव वन क्वेश्चन फॉर श्योर तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस आपको पढ़ना होता है कि कैसे एक बच्चा सोशलाइज होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगी अपनी वीडियोस के अंदर तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो बच्चा फॉलो करता है हम बचपन से फॉलो करते हैं और ये कभी कंप्लीट नहीं होता है एज यू नो इट इज़ अ प्रोसेस ये लाइफ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहता है बट ये प्रोसेस चलता कैसे रहता है आपको जनरली वो पढ़ना है एंड रिलेटेड टू भी क्लियर करनी होती है कि अगर आप कह रहे हैं कि सोशल uh, डिवेलपमेंट होती है देन सोशल एडजस्टमेंट होती है ठीक है देन मतलब काफी ऐसी चीजें होती हैं uh, तो जो टर्मिनोलॉजीज के अंदर आती हैं जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको करना है देन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर आपको आइडियलिज्म uh, है प्रेगमेटिज्म है ठीक है ये पी वाले बच्चे स्पेशली आपके लिए ये मैंने मेंशन किया है क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं कि जॉन ड्यूई के क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं ठीक है तो कंस्ट्रक्टिविज्म uh, है वो कहां से आया है क्या है क्या उसका बैक है तो इस तरीके से आपको तो क्वेश्चन करने हैं ठीक है देन नेक्स्ट वन यू हैव एस जेंडर इश्यूज यहाँ से भी आपको जेंडर की टर्मिनोलॉजीज पढ़ के जानी है कि जेंडर uh, के ऊपर जो जेंडर क्या होता है या इस तरीके से आपको अलग अलग तरह की uh, मैं आपको क्लियर करूंगी अलग तरह की वो एक जैसी लगती हैं ठीक है थीके? कि जेंडर बायसनेस है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है नी अदर्स तो उनके बीच का डिफरेंस आपको पढ़ना है क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के अंदर सारी लिखी होती है टर्मिनोलॉजी वो क्या है तो जेंडर के ऊपर क्या इशूज रहते हैं या क्या हमारे चीजें बनी हुई है वो सारी आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है नेक्स्ट वन इंडिविजुअल डिफरेंसेज कभी कभी क्वेश्चन आता है बट सी टेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है इंडिविजुअुअल डिफरेंसेज के ऊपर इंडिविजुअुअल डिफरेंसेज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कोई थ्योरी नहीं आपको पढ़नी है इसमें कुछ नहीं आपको पढ़ना है सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना है की हर बंदा एक दूसरे बंदे से अलग है बट कैसे है क्या है उसका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है ये आपको टॉपिक पढ़ते वक्त ही बता चलेगा। नेक्स्ट वी हैव एजेंसीज पहले आती थी सिर्फ अगर मैं अर्लियर uh, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देखती हूँ तो उसके अंदर अगर मैं देखूं तो एच टेट में पी एच टेट में एंड एचपी टेट में हमें एजेंसीज से क्वेश्चन आए हैं एजेंसीज लाइक like, पूछ लिया कि जी uh, एनसीआर टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया या फिर कोई सी बी एस सी के ऊपर क्वेश्चन आ गया या फिर कोई uh, जैसे अपने uh, कोई अदर एजेंसी uh, हमें आ गई जैसे यू जी सी है या फिर ए आई सी टी ई है वैसे तो ये हायर एजुकेशन के है हमें स्कूल लेवल की कोई एजेंसीज आ जाती हैं अगर तो वो आपको उनके ईयर याद कर लेने बहुत ही सही रहते हैं और आपको एटलीस्ट बेसिक ये पता होना चाहिए कि उनकी फुल फॉर्म क्या है ठीक है काफ़ी बार हमें फुल फॉर्म आ जाती है जैसे अभी अगर हम एन ई पी की बात करते हैं उसके आने के बाद काफ़ी न्यू एजेंसीज Uh, जो है वो खड़ी uh, की गई हैं है ना तो वो सारी जो एजेंसीज हैं अगर आप पढ़ लेते हैं जस्ट उनके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट एंड प्लस उनका क्या काम रहता है कहाँ पे एग्जैक्टली exactly वो करते क्या है जैसे अगर मैं कहूँ कि प्री स्कूल ट्रेनिंग है या फिर इन सर्विस ट्रेनिंग है या मतलब जो प्री सर्विस या इन सर्विस ट्रेनिंग है तो वो कौन प्रोवाइड करता है कौन सी एजेंसी इनमें से प्रोवाइड करती है तो इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं आपके पेपर के अंदर तो ये चीजें आपको करनी होती हैं uh, इस टॉपिक के अंदर ठीक है जी नाउ वी uh, um, का आप ब्रीफ लें और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को आप डिटेल में पढ़ के जाए मेरा यही सजेशन रहता है टू थाउजेंड फाइव आप पहले भी पर, जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम्स में बैठ चुके हैं दे चुके हैं तो उनको पहले से पता है कि 2005 के जो फाइव मेन प्रिंसिपल्स हैं हम वो करके जाते हैं और इसके मेन uh, जो उन्होंने हमें uh, क्या दिया था एग्जैक्टली exactly क्या हम एग्जाम्स रखते थे हमारे लिए टीचिंग के पेडोलॉजिकल uh, क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी वो सारे हम 2005 में करके जाते हैं सिमिलरली आपको 2023 में जो नया हमारा एनसीएफ आई है वो आपको पढ़ना है देन नेक्स्ट वन लैंग्वेज एंड थॉट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चे छोड़ जाते हैं या मैंने देखा है कि उनको पता ही नहीं होता है कि ये भी हमें पढ़ना है लैंग्वेज एंड थॉट में से सिंपल सा क्वेश्चन आता है अब आपको लैंग्वेज एंड थॉट मैम यहाँ पे लैंग्वेज एंड थॉट आपको दो जगह काम आएगा लैंग्वेज एंड थॉट आपको इंग्लिश या इंग्लिश पैडोलॉजी में भी मतलब काम आता है तो लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट है वो आपको पढ़ने होते हैं जैसे नॉम्स चौम्... नॉम चॉम्सकी ने इसके लिए क्या कहा है या प्याजी के इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट्स है या फिर आप अप... Uh, बात करें अगर कि जितने भी, भी बिहेवियरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है या थॉट कैसे डेवलप होता है ठीक है देन लेव का इसके ऊपर अलग से व्यू पॉइंट है सो so, वो सारी चीजें आपको लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर आ जाती हैं एंड uh, हाँ तो ये आपको बेसिक पढ़ना होता है देन नेक्स्ट वन आर्टिकल्स आर्टिकल्स सारे टेट्स में नहीं आते हैं आर्टिकल एच टेट या फिर आर्टिकल आता है एच टेट के हायर लेवल्स के अंदर यानी लेवल टू के अंदर थोड़े ही चांसेस तो डेफिनेटली आता है एजुकेशनल तो कौन सा आर्टिकल ट्वेंटी वन ए मतलब क्या कह रहा है एग्जैक्टली exactly. तो ये जो मेन आर्टिकल्स हैं जिनमें अगर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए कुछ रखा गया है जैसे मतलब रिजर्वेशन uh, uh, के आर्टिकल्स हैं या फिर अदर uh, जो कह लीजिए कि आपके जैसे मैंने कहा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का है ना कौन सा आर्टिकल है ये सारी चीज़ें तो एजुकेशनल आर्टिकल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे हिंदी लैंग्वेज का या मतलब मातृभाषा के लिए आर्टिकल कौन सा है या इस तरीके से ये सारे आप कवर कीजिए ये आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं देन नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप बहुत डिटेल में करके जाए अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि क्वेश्चन डिटेल से आते हैं दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन वी हैव समावेशी शिक्षा तो समावेशी शिक्षा में से काफी सारे क्वेश्चन हमें आते हैं जैसे कि uh, हमें यहाँ से uh, जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए पूछा जाता है जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन भी हमें काफी बार आए हैं बिकॉज वी हैव हमें बहुत सारे अदर टर्मिनोलॉजीज भी हैं इसके अलावा जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है या फिर अगर मैं ब्लेंड मतलब अगर मैं क्लास रूम में बैठी हूँ हाउ इट इज इंटीग्रेटेड एंड हाउ इट विल बी इंक्लूसिव कैसे बनेगा तो uh, ये सारी चीजें आपको रहेंगी एंड प्लस जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर uh, जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो आपको बहुत ही डिटेल में करके जाने होते हैं जिसमें से आपको ऑर्टिस्टिक बच्चा क्या है विजुअल uh, क्या है या हियरिंग इम्प्योर्ड कौन से बच्चे हैं कितने पे डेफ एंड हो जाते हैं या क्या ये सारी चीजें आपको विजिबिलिटी क्या क्या रहती है एक बच्चे की देन वी हैव डिसऑर्डर्स ऑल्सो है ना बहुत सारे ऐसी अलग अलग आपको चीजें जैसे ए है उसको पढ़ के जाना पड़ता है तो ये सारे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में कवर होंगे देन नेक्स्ट वन इवेलुएशन एंड असेसमेंट हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है मतलब uh, 101% 110% आप लगा लीजिए एंड एंड असेसमेंट में से क्वेश्चन आने आना है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है कि इवैल्यूएशन क्या होती है मेजरमेंट क्या होती है असेसमेंट क्या होती है इनका डिफरेंस पढ़ना है देन वी हैव समेटिव एंड योर फॉर्मेटिव उसका क्या डिफरेंस uh, है ठीक है वो वहां से क्वेश्चन आते है, आते असर्शन रीजंस आ जाते हैं बहुत बार तो ठीक है देन वी है सी बी सी एस क्या होता है तो इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं पोर्टफोलियो क्या होता है तो असेसमेंट के अंदर जो टेक्निक्स हम सॉरी <coughs> असेसमेंट के अंदर जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं <coughs> वो सारी इसके अंदर पूछी जाती हैं देन नेक्स्ट वन इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स आएंगे अब यहाँ तक जो आपने एटीन टॉपिक तक आपने जो देखा वो काफी हद तक आप कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल टॉपिक्स या फिर जितने भी आपके अदर uh, जैसे मैंने एजेंसीज वगैरह बोली वो सारे टॉपिक्स थे बट नेक्स्ट जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कवर करेंगे वो सारे क्या टॉपिक्स रहेंगे यानी कि आपको एक पैडोलॉजी का सेक्शन आता है अलग से पंद्रह क्वेश्चन है ना uh, ये जो टॉपिक्स है ना बच्चे वो आपको इंग्लिश एंड हिंदी जब आप अटैम्प्ट करें या लैंग्वेजेस जब आप अटैम्प्ट करें या सॉरी <coughs> या फिर जब आप अपना सोशल स्टडी या फिर साइंस का भी टॉपिक अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको 15 मार्क्स का जो है एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको पेडोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं यानी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं फिर वो अत्य कहाँ से है एग्जैक्टली exactly, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है आपको तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ब्लूम्स ट्रॉनोमी हम्म ब्लूम्स से क्वेश्चन आना ही आना है आ, मतलब सबको पता होता है कि तो exactly पैडालॉजी को लिखा है यहाँ पे कि जब आप पढ़ाते हैं क्लासरूम में एज अ टीचर जब आप एक्ट करते हैं क्या क्या चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो जो आपके सिलेबस में आती है देन यू हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है मेमोरी लेवल

तो ये सारे थ्री uh, फेजेस आपको पढ़ने होते हैं अः uh, देन उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग डेफिनेटली क्वेश्चन आता है मेथड्स में से मेथड्स uh, जैसे कि लेक्चर मेथड है या uh, कोई भी किंडर है या फिर आपसे कुछ भी किसने दिया है किंडर या फिर जॉन डेवी ने इनमें से कौन सा मेथड दिया है तो बहुत सारे ऐसे आपको करने पड़ते हैं ना क्वेश्चन आंसर मेथड है वो क्या है कितनी प्रायोरिटी है किस में बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है ये सारी चीजों में क्वेश्चन आपको मेथड्स में से आते हैं और बच्चे ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको मतलब ऑल द फोर पार्ट्स यू कैन हैव क्वेश्चन इन ऑल द फोर पार्ट्स चाहे वो लैंग्वेजेस हैं चाहे वो आपका सब्जेक्ट सेक्शन क्यों ना है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थीके? एंड uh, आते भी आपको uh, जैसे मेथड्स में से वहां पे क्वेश्चन आता है आपको और लेवल्स में भी मैं क्वेश्चन देख चुकी हूँ वहां पे ठीक है देन आपको अप्रोचेस टू टीचिंग कैसी आप अप्रोच रख रहे हैं उसके वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है जी देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन मोटिवेशन मैंने यहाँ पे दिया है मोटिवेशन की थ्योरीज आपको पढ़ लेनी है मास्लो के मास्लो की जो थ्योरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट यू शुड डू एंड फॉर पी एच टेट स्टूडेंट स्पेशली एंड फॉर एचपी टेट स्टूडेंट्स Uh, आप लोग कार्ल uh, रॉजर की थ्योरी भी पढ़ के जाएं सेल्फ की थ्योरी कार्ल रॉजर की क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन आ रखे हैं मोटिवेशन uh, में से एंड मोटिवेशन आप लोगों के पेपर में आने आना है एच टेट में भी आएगा मोटिवेशन फॉर फॉर्श तो मोटिवेशन का क्वेश्चन जनरल भी हो सकता है यानी टाइप्स पे भी हो सकता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है ना इसके दो टाइप्स हैं बट uh, uh, जो कार्ल रॉजर का मैं क्वेश्चन कह रही हूँ वो मैं पी एस टेट या फिर अगर हम एचपी टेट में बात करें तो uh, कई बार हम देख चुके हैं देन नेक्स्ट वन कमीशन कमीशन्स का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एच पी टेट के स्टूडेंट्स हैं ठीक है जो एच पी का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो आप लोगों के लिए कमीशन्स करने ही करने हैं आप लोगों ने एंड प्लस पी एस टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार गो थ्रू करके जा सकते हैं कमीशन्स को ठीक है सो एच पी टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कमीशन हैं जैसे कोठारी कमीशन हो गया या फिर आपका मुदालियर कमीशन इवन इवन आप ये कर सकते हो कि एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें कि प्री इंडिपेंडेंस के कौन से हैं 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 एंड पोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन से ज्यादातर क्वेश्चंस जो वो इंडिपेंडेंट पे आए हैं जिसमें राधा कृष्ण कमीशन या मुदालियर या फिर आपको कोठारी कोठारी में से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आ, कई बार आपको डेट्स भी आ जाती है यानी आ, किस टाइम पे वो किस आ, क्या कौन सा कमीशन था ठीक है मतलब इयर्स नॉट एग्जैक्ट डेट्स तो आपको ईयर्स भी पढ़ लेने होते हैं ठीक है सो ये एच पी स्टूडेंट्स के लिए देन मेमोरी मेमोरी एच टेट में पी टेट में पी टेट में हर एक में मेमोरी से क्वेश्चन आ रखा है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स होता है मेमोरी और उसके टाइप्स आपको पढ़ के जाने हैं कि अगर मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी है या फिर जैसे क्वेश्चन मोस्टली आता है आपको जैसे एच टेट में क्वेश्चन ज्यादा अगर मैं देखूँ एपिसोडिक मेमोरी के ऊपर रहता है देन वी आल्सो हैव मेमोरी ठीक है तो आपको सारे टाइप्स डिटेल करके जाने होते हैं इसके देन उसके बाद आता है हालो इफेक्ट ये यहाँ से ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है हालो इफेक्ट का ठीक है ये आपको पढ़ के जाना है ये आपको uh, आ सकता है और आ चुका है देन वी हैव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पी एस टेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एच बी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है एच टेट और सी टेट में अभी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से मैंने नहीं देखा है देन वी हैव पॉलिसीज फॉर डिसेबल्स वहां पर मैंने इंक्लूसिव में आपको बताया था कि आपको डिसेबिलिटी uh, को पढ़ना है बट जब हम डिसबिलिटी uh, या डिसबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं तो पॉलिसीज के क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें से इन द पेपर ऑफ अगर मैं बात करूँ कि कौन से टेट में पी एस टेट में स्पेशली तो uh, उनको जो पॉलिसीज हैं जैसे uh, जो पीडब्ल्यू डी है या फिर एच टेट का जो थर्ड uh, लेवल है वहां पर क्वेश्चन या फिर एचपी टेट जो है uh, अब उनमें जो क्वेश्चन है वो पॉलिसीज़ फॉर डिसेबल्स यानी जैसे आप 2016 का पीडब्ल्यू डी एक्ट पढ़ के जाइए उसके बाद का भी पढ़ उसके सॉरी उसके पहले का भी पढ़ के जाइए तो जिसमें सेवन डिसेबिलिटीज हमें थी ठीक है उसके बाद वो ट्वेंटी वन डिसेबिलिटीज हो गई कौन सी ट्वेंटी वन डिसेबिलिटीज है ये सारे आपको पॉलिसीज में से क्वेश्चन आते हैं ठीक है लास्ट बट नॉट द ले बट ये टॉपिक क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर एक को आ सकता है विच इज़ एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ से ही आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर हम बात करें कि कितनी अगर किसी बच्चे को पेपर में स्कीम्स भी पूछी जा रही हैं मतलब कमीशन या पॉलिसीज के अलावा तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाती हैं क्योंकि नए एन के अंदर जो भी स्कीम्स जो चली हैं वो सारी उसमें कवर हो जाती हैं तो स्कीम्स भी आप कर लीजिए एन के अंदर जो जो आपको एजुकेशन सिस्टम जो हमें दिया गया है न्यू जैसे जो आपका टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये सारे आप करके जाइए कि कितने ईयर्स पे बच्चा क्या है कौन सी प्रेपरेटरी स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज है बच्चा कौन सी से, कौन सी क्लास वहां पे कवरअप कर रहा है ये सारी चीजें आप एनईपी की डिटेल करके जाएंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्स्ट uh, सिलेबस जिसके अंदर मैंने सारे ही स्टूडेंट्स को काफी हद तक ये क्लियर कर दिया कि आपको पढ़ के क्या जाना है एग्जैक्टली exactly. और डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें करके जाते हो सी के सेक्शन में से आपको इवन यू कैन स्कोर थर्टी आउट ऑफ थर्टी अगर आप ये सब कवर करके जाते हो ठीक है कोई हार्डली कोई क्वेश्चन हो गया कि कोई थ्योरी हमें कभी आई ही नहीं थी और वो इस बार आ गई ठीक है तो वो एक अलग एक परसेंट का चांस हम लेके चलते हैं एक क्वेश्चन का बट अदरवाइज यू हैव ऑल दीज टॉपिक्स इन योर पेपर uh, अगर हम सी के सेक्शन की बात करें प्लस इसमें जो पैडोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उनमें तो आपको हेल्प मिलेगी बाकी के आपके के अंदर भी सो so, आप मेरे साथ ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रो बैच तो प्रो बैच में अभी हमने सिर्फ लर्निंग की थ्योरी को कवर किया है एंड फर्दर हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ऑन आवर चैनल सो सब्सक्राइब आर चैनल यू जी सी प्लग इन एंड वॉच फुल फुलडियोज टू नो अबाउट सीडीपी टू लर्न अबाउट सीडी पी एंड टू स्कोर थर्टी आउट ऑफ थर्टी Thank you and stay tuned for next video.